दोस्तों फाइनली वी यानी कि वोडाफोन आइडिया जैसे इंडिया में शटडाउन ना हो जाए इसके लिए गवर्नमेंट अभी डीपली सोच रहे हैं। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट निकल के आते हैं कि वोडाफोन आइडिया यानी कि नया वी के ऊपर लगने वाली स्पेक्ट्रम ड्यूज, टोटल एजीआर ड्यूज, बैंक गारंटी के ऊपर जितना एक्स्ट्रा लेवीज लगा वो गवर्नमेंट उसको छोड़ देगा। और वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली एक नया रिलीफ पैकेज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होगा। और गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया इंडिया में रहे, और वोडाफोन आइडिया ना रहे तो पूरा तरीके से इंडिया में डुओपोली मोनोपोली आ जाएगा। और फिलहाल हमारा गवर्नमेंट की तरफ से यही ब्रेकिंग न्यूज निकल के आते हैं कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट भी चाहते हैं इंडिया में सेव करने के लिए, और एक बहुत ही बढ़िया रिलीफ पैकेज आज इधर निकल के ले आया है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉकिंग यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों खैर आप जानते हो कि वोडाफोन आइडिया इंडिया का एक सबसे लॉस मेकिंग कंपनी है, और खुद वोडाफोन बोल रहा है कि आइडिया उसको हेल्प ना करे तो वोडाफोन इंडिया में पूरा तरीके से शटडाउन हो जाएगा। और दोस्तों आइडिया का इधर जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल वोडाफोन के ऊपर नहीं है। और दोस्तों खैर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो पिछला वीडियो आपने देख लिया था कि आइडिया खुद गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के ये बोला कि खुद आइडिया का जितना प्रतिशत स्टेक अभी वोडाफोन आइडिया यानी कि नया वी कंपनी के ऊपर है वो उतना ही शेयर, उतना ही स्टेक वो गवर्नमेंट को सेल कर देना चाहते हैं। गवर्नमेंट फिर उसको ले ले या तो फिर वो डोमेस्टिक या प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो नीलामी कर देगा। लेकिन दोस्तों उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई रिप्लाई बिल्कुल निकल के नहीं आया। और दोस्तों गवर्नमेंट ने खुद वोडाफोन आइडिया का रिलीफ पैकेज के बारे में सोच रहे, और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस किया इट वॉज सरप्राइजिंग दैट कुमार मंगलम बिरला लेटर वॉज साइलेंट ओवर द शेयर होल्डिंग ऑफ वोडाफोन आइडिया ग्रुप द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन वोडाफोन आइडिया। इट अपीयर्स दैट द प्रपोजल इज फॉर अ गवर्नमेंट एंटिटी टू बिकम ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स व्हाइल वोडाफोन कंटिन्यूज टू बी द मेजॉरिटी पार्टनर्स एंड रन द कंपनी। मतलब दोस्तों इधर गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आते हैं खुद अभी वोडाफोन चाहते हैं कैसे बाहर से पैसा जुगाड़ करके वोडाफोन को इंडिया में आगे लेके जाए। और दोस्तों अभी खैर आप जानते हो कि वोडाफोन के ऊपर से कोई इन्वेस्टर अभी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और दोस्तों खुद इधर गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखाते हुए वोडाफोन को सेव करेगा। और दोस्तों जितना एजीआर ड्यूज लगा, जितना स्पेक्ट्रम ड्यूज लगा, जितना लेविस लगा एक्स्ट्रा, वो सब कुछ गवर्नमेंट इधर छोड़ देगा। और इसका ही पूरा अपडेट, कैसे उसको रिलीफ पैकेज मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा, इसका पूरा अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से एक दो हफ्ते के अंदर ही फाइनेंस मिनिस्टर को सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर फुल्ली वोडाफोन आइडिया को सेव करेगा, और वोडाफोन आइडिया को कैसे राहत दिया जाए, कैसे इंडिया में सेव किया जाए, पूरा जो सिस्टम होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक दो हफ्ता के अंदर ही पूरा अपडेट हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों इधर खैर आप जान लीजिए कि वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी आइडिया का स्टेक है 27.66% का, आप सोच सकते हो 28% का, और वोडाफोन का अभी स्टेक है 44.39%, मतलब लगभग 45% का स्टेक अभी वोडाफोन पीएलसी का है। और दोस्तों इधर ही आइडिया नहीं चाहते कि वोडाफोन के साथ पार्टनर्स करके वो आगे निकल जाए, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट चाहते हैं वोडाफोन आइडिया इंडिया में रहे। लेकिन दोस्तों आखिर तक क्या कुछ होगा वो एक दो हफ्ते के बाद ही जाना जाएगा कि वोडाफोन आइडिया एक दूसरे के साथ रहेगा या फिर छोड़ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट क्या कुछ रिलीफ पैकेज वोडाफोन आइडिया के ऊपर देने वाले हैं। आपको जानना है सब कुछ लेटेस्ट अपडेट तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और इधर दोस्तों आपको बताना है कि अब वोडाफोन आइडिया को रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट दे दे तो क्या वोडाफोन इंडिया में रहेगा, या फिर वोडाफोन जैसा चाहते हैं कि इंडिया को वो छोड़ दे वैसा ही करेगा, कॉमेंट्स में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।